हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है शहर कटिंग एंड स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 इंच की मोहरी ले ली है और दोनों साइडों में दो दो लहर बना लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच में एक बड़ा लहरिया बना लेंगे। ये देखिए, चौक की मदद से। अगर आपके पास नहीं आता है तो लहरिया बनाना, चौक की मदद से बना ले आप। अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से गुलाई में इस लहरिए पर सिलाई चलाते जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, पूरे लहरिए पर हमने सिलाई चला ली है। अब इसके बीच सेंटर से हमें पत्ती का आकार बना देना है। ये देखिए, इस तरह से, और बीच में गुलाई वाली पत्ती बना लेनी है और इसके बीच में एक वो बना लेना है बलून टाइप में फ्लोवर। तो देखिए, सभी गुलाइयों के बीच में हमें इसी तरीके से फ्लोवर रेडी कर लेने हैं। तो देखिए, अब इन निशानों पर हम मशीन चलाएँगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से दोबारा अपनी सिलाई को हम वापस वहीं लाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, और यहाँ पर अपनी गुलाई वाली पत्ती का आकार बनाएंगे। हल्के हाथों से आप मशीन को घुमाएं और हल्के हाथों से ही अपनी मोहरी को पकड़कर घुमाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तब फ्लोवर में बहुत अच्छी सफाई आती है। आप इसी तरीके से बनाएं। ये देखिए, कितनी अच्छी पत्तियाँ बन गई हैं। अब बीच में हम बलून टाइप पे बनाएंगे अपना एक छोटा सा फ्लोवर। ये देखिए, अब इन सभी पत्तियों के अंदर हमें सिलाई चला देनी है दो दो बार, सभी पत्तियों के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी इसी तरीके से सभी फ्लोवर्स तैयार कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने कितना अच्छा फ्लोवर अपना तैयार कर लिया है। सभी गुलाइयों के अंदर हम इसी तरीके से अपने सारे फ्लोवर्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें। ये देखिए, कितना प्यारा ब्यूटीफुल बनकर हमारा फ्लोवर तैयार हो चुका है। तो चलिए, सभी गुलाइयों के अंदर ये हमने कितने प्यारे अपने फ्लोवर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।